ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या है? तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक ऐसा व्यापार है जो ऑनलाइन किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक वेबसाइट और एक प्रोडक्ट सप्लायर की जरूरत पड़ती है, तब जाकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आप किसी और के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट या किसी दूसरे की वेबसाइट पर सेल करना होता है। तो जानिए कैसे करते हैं इस बिजनेस को। तो इस बिजनेस में आपको सामान रखने और डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको ऑनलाइन कस्टमर से ऑर्डर लेना होता है और अपने सप्लायर को भेजना होता है। बाकी का प्रोसेस आपका सप्लायर पूरा कर देता है और आपको उस सामान का मुनाफा मिल जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी भी सप्लायर से मिलकर सब कुछ तय करना होता है, जैसे प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचना चाहता है, कुछ ऑफर अगर देना चाहता है तो, कस्टमर के ऑर्डर करने पर सामान की डिलीवरी कितने दिनों में होगी और क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सामान पसंद ना आने पर कस्टमर सामान को रिटर्न कर सकता है, क्या वारंटी है गारंटी है, इत्यादि तरह की जानकारी। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कितने तरह से किया जा सकता है? तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस दो प्रकार से किया जा सकता है, पहला खुद की वेबसाइट या ऐप बनाकर, दूसरा किसी और की वेबसाइट या जो ऐप होती है उनके द्वारा। तो ड्रॉप शिपिंग की डिमांड कितनी है? देखिए बहुत डिमांड है इसकी, और उसका पहला कारण ये कि आज जिस तरह का दौर है, पिछले एक साल से कोरोना काल ने हर व्यक्ति को घर से शॉपिंग करने की आदत डलवा दी। साथ ही ये आवश्यक है कि लोग घर पर सुरक्षित रहकर अपनी जीविका चला सके, ऐसे में आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस खूब सफल होगा। और दूसरा कारण ये कि आज के स्मार्टफोन और इंटरनेट के युग में हर व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करता है, ताकि वो अपने परिवार के साथ शॉपिंग कर सके। गांव हो या शहर, हर जगह मोबाइल और इंटरनेट होने के कारण लोगों की दिलचस्पी ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ती जा रही है, ऐसे में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने से आपको बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से होने वाला मुनाफा, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक बड़े पैमाने का बिजनेस है जिसमें अगर आप चाहें तो आराम से घर बैठे लाखों रुपए ऑनलाइन कमा सकते हैं। इसमें आपको मुनाफा कमाने के लिए सप्लायर के प्रोडक्ट को उसके तय किए हुए मूल्य से अधिक दामों पे बेचना होता है। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का दाम 80 रुपए है तो आप उसे 100 रुपए में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि जिस दाम में आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो बाजार से कम दाम में। अब आती है बात कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कैसे करें। अपनी वेबसाइट के द्वारा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस प्रकार है। पहला, अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने के लिए आपको अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेनी चाहिए, जो दिखने में काफ़ी प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इस काम के लिए आप वेब डेवलपर की मदद भी ले सकते हैं। वेबसाइट बनने के बाद आप सप्लायर से प्रोडक्ट की फोटोज़ मांगें और अपनी वेबसाइट पर डालें। या दूसरा तरीका यह है कि जो ऑलरेडी ऐप्स या वेबसाइट्स अवेलेबल है उन पे आप रजिस्ट्रेशन कर दें, ताकि आपकी एक गैलरी वहां पे बन जाती है जहां पर आप सामान बेच सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि बिजनेस और टैक्स रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन और टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़े और विश्वसनीय सप्लायर होते हैं वो हमेशा ऐसे ही लोगों को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं जिनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन और टैक्स रजिस्ट्रेशन हुआ। अब तीसरी बात आती है कि सही प्रोडक्ट को चुनें। तो लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आपको हजारों लाखों प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन हर प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर बेचना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार करें जिनकी मार्केट में अधिक डिमांड है और उन्हीं को अपनी साइट पर डालें। ऐसा करने से आपको कम सामान रखने पर भी ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। इसके अलावा आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल करें जिसके बारे में आपको जानकारी है। फिर अगला ये है कि आप अपना एक चालू खाता खुलवाएं। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करने के लिए आपको अपना करंट अकाउंट खुलवाना जरूरी होगा। और चालू खाता इसलिए क्योंकि आपको अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी देना होगा, और ऑनलाइन इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन आपको चालू खाते में मिल जाता है। वहीं आपको ऐसे बैंक में अपना अकाउंट खोल लेना चाहिए जो विश्व प्रसिद्ध हो, क्योंकि दुनिया भर के लोग आपकी वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं और वहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट की जरूरत होती है। इसलिए आप ऐसे बैंक को चुनें जो आपको इंस्टेंट पेमेंट की फैसिलिटी दे। इसके अलावा आप जिस बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, ध्यान रखें कि वो विभिन्न गेटवे जैसे पेयू मनी, सीसी एवेन्यू, रिजर्व पे इत्यादि के साथ कार्य करने में सक्षम। इसके साथ ही आपको फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका सामान जो है वो फॉरेनर्स भी लेने वाले हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी बिकने वाला है। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में आपके कुछ सप्लायर बाहर देश के भी हो सकते हैं जिन्हें आपको इंस्टेंट पेमेंट करना पड़ सकता है, ऐसे में पेपाल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। फिर आता है आयात निर्यात पॉलिसी को करें चेंज। अगेन, अगर आप फॉरेन वाला बिजनेस कर रहे हैं तो ये बहुत ही काम की चीज़ हो सकती है कि जो भी पॉलिसीज हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से लेकर, उन सबको आप अच्छे से चेक करें।
ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करने से पहले आपको एक भरोसेमंद सप्लायर ढूंढना होगा जो आपको एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। ऐसे सप्लायर को ढूंढने के बाद आपको प्रोडक्ट्स के दाम भी तय करने होंगे। एक भरोसेमंद सप्लायर को ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया मार्ट, अली एक्सप्रेस, ट्रेड इंडिया इत्यादि ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको अच्छे सप्लायर मिल सकते हैं। फिर अगली बात होती है कि बिजनेस का प्रमोशन कैसे करें। तो किसी भी बिजनेस का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसका प्रमोशन। इसलिए ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन की आवश्यकता होगी। जितना अधिक आप आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। फिर अगला आता है कि ड्रॉप शिपिंग के जरिए कौन से प्रोडक्ट सेल किए जा सकते हैं। तो वैसे तो हर तरह के प्रोडक्ट्स को आप ड्रॉप शिपिंग के जरिए बेच सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा परचेज किए जाते हैं वह है मोबाइल, कंप्यूटर एसेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के क्लोथ्स, खिलौने, बुक्स, ग्रोसरी, जेनेरिक दवाइयाँ, फर्नीचर। फिर आता है कैसा ड्रॉप शिपर सप्लायर चुने। तो जब भी आप ड्रॉप शिपर सप्लायर चुने तो इस बात का ध्यान रखें कि वो भरोसेमंद और अनुभवी हो, साथ ही एक वो प्रमाणित सप्लायर हो जो आपको कम दाम में हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स दे सके। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।